असलकुम वेलकम बैक टू माई चैनल फर्शा फ़ूड फ्यूजन कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं रमज़ान बहुत बहुत मुबारक आप सभी को जैसे कि आप सब ने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा आज हम बनाएंगे मुंबई की बिरयानी तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले इन्ग्रीडियन देख लेते हैं बिरयानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मटन वन के जी फोर मीडियम साइज़ कटी हुई अनियन फोर मीडियम साइज़ टमाटो और चिली कटे हुए फ़ोर मीडियम साइज़ पटैटो योगर्ट यानी कि दही वन कप जिंजर गार्लिक पेस्ट फोर टेबल स्पून यहाँ पर हमने ये सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लिया है आगे हम बताएंगे इनमें कौन कौन से मसाले यूज़ किए इसके बाद वन केजी बासमती राइस ऑयल सॉल्ट और लास्ट में बिरयानी का कलर और गरम मसाले सबसे पहले हम चावल को पानी में एक घंटे के लिए सोख करके रख देंगे चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे उसे हम गैस पर रखेंगे फ्लेम को हम ऑन कर देंगे फ्लेम हम हाई पर रखेंगे इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे यहाँ पर हमने ऑयल तकरीबन 175 सेवेंटी लिया है इसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज़ ऐड कर देंगे यहाँ पर हमने चार मीडियम साइज कटी हुई प्याज ली है प्याज को हमें फ्राई करना है इतना कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इसको मिक्स कर दे यहाँ पर हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है ये देखिए इसको एक बार मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे यहाँ पर हमने दो टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और दो टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट लिया है इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो चुका है ये देखिए इसकी स्मेल भी निकल चुकी है और अब हम इसमें टमाटोज और ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे हमने चार मीडियम साइज़ टमाटो लिए और ग्रीन चिलीज़ भी चार ली हैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें हमें इसे इतना भूनना है कि टमाटो सॉफ़्ट हो जाए फ्लेम को हम हाई रखेंगे और टमाटो को इस तरह से भून लेंगे कि ये सॉफ़्ट हो जाए इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम यहाँ पर इसके बाद इसमें दही ऐड कर देंगे जो कि है एक कप यानी टू हंड्रेड ग्राम इसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से ही मिक्स करके रखे हुए हैं ये स्टार फ्लावर है इसे बादन का फूल भी कहते हैं और ये मुंबई की बिरयानी में ज़रूर डाला जाता है हमने यहाँ पर ये दो स्टार फ्लावर डाले हैं सूखे मसालों में हमने यहाँ पर ऐड किया है रेड चिली पाउडर थ्री टेबल स्पून हाफ़ टेबल स्पून दालचीनी पाउडर हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर बड़ी इलायची दो चार से पाँच लौंग चार से पाँच इलायची और धनिया दो टेबल स्पून इन सबको हमने मिक्स करके एक साथ मसाला बना लिया था अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे जो कि है एक किलो इसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई प्लम यानि कि सूखा हुआ आलू का बुखारा भी एक डाल सकते हैं उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब हम इसे प्रेशर लगाकर रख देंगे दस से बारह सीटी में मटन अच्छे से गल जाएगा हम इसे तकरीबन पंद्रह मिनट तक हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकाएंगे। इसे कुछ देर ऐसे ही रखा रहने। दें यहाँ पर इसमें प्रेशर आने लगा है चलिए अब हम इसे एक बार ओपन करके देखते हैं ये देखिए देखने में तो ये पूरी तरह से गला हुआ लग रहा है चलिए इसे चेक करते हैं मटन पूरी तरह से गल चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है अब हम इसमें पटैटो ऐड कर देंगे हमने यहाँ पर चार मीडियम साइज़ पटैटो लिए हैं इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसलिए हम दो से तीन ही सीटियाँ लगाएंगे ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं चलिए अब हम लीड लगाकर इसे हाई फ्लेम पर रख देते हैं दो से तीन सीटी के बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और तेल भी ऊपर आ गया है यानी कि हमारी बिरयानी की अखनी रेडी हो चुकी है बस अब हम इसको साइड में रख देंगे इसके बाद हम अधन चढ़ाएंगे यहाँ पर हम एक बड़ा पॉट लेंगे उसे हाफ पानी से भर लेंगे और उसमें हम ये ड्राई मसाले डालेंगे जैसे कि तेज़ पत्ता दालचीनी लौंग इलायची स्टार फ्लावर, और इसमें हम नमक ऐड कर देंगे नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे अब हम इसे लिड लगा के रख देंगे जब तक कि ये बॉयल हो ये यहाँ पे बॉईल हो चुका है चलिए अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं हमने चावल को एक घंटा पहले ही पानी में सोख करके रख दिया था अब हम चावलों को इसमें बॉईल होने देंगे जब तक इसमें एक कन की बराबर न रह जाए यहाँ पर हमारे चावल भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं ये देखिए चावल का सारा पानी हम ड्रेन कर देंगे और फिर उसे लेयर लगाएंगे इस तरह से पहले हमने एक लेयर चावल की ली है इस तरह से इसके बाद हम एक लेयर रखनी की लगाएंगे इस तरह से अगर आप लेयर नहीं लगाना चाहते तो आप ग्रेवी को चावल के साइड में अलग से रख सकते हैं इस तरह से हम एक लेयर और लगा देंगे चावल की चावल को अच्छे से सब तरफ बिखेर दे ताकि ग्रेवी सारे चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद हम एक लेयर और ग्रेवी की लगाएंगे और इसे पूरे चावल पे कवर कर देंगे और ये लास्ट लेयर चावल की एक और लगा देंगे इसे अच्छी तरह पूरा कवर कर देंगे और ये हमारी सारी लेयर लग चुकी हैं अब हम इसमें कलर ऐड कर देंगे और अब हम ऊपर से इसमें घी ऐड कर देंगे हमने यहाँ पर फाइव टेबल स्पून घी ऐड किया है इसमें इस तरह से पूरे में इसे स्प्रेड कर देंगे और अब हम लास्ट में इसमें केवड़ा ऐड कर देंगे आप चाहें तो रोज वाटर या फिर मीठा इतर भी डाल सकते हैं और अब हम इसे लीड लगाकर 15 से 20 मिनट तक दम पर रख देंगे और ये हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा मजेदार बनी है आप भी बनाइए और इसे ट्राई करिए और बताइए कमेंट में कि आपको ये कैसी लगी और अगर मेरी बनाई हुई कोई भी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें इन फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज, हाफ़ फीमान